दहेज लोभी लालचियों के कारण एक बेटी की हुई हत्या। कांडी से धीरेंद्र विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। हरिहरपुर कांडी थाना क्षेत्र के राजा घटुआ निवासी बीना पासवान पिता स्वस्थ राम सुंदर पासवान ने शनिवार को हरिहरपुर ओपी में एक लिखित आवेदन देकर अपनी पुत्री की हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। हरिहरपुर ओपी में दिए गए आवेदन में राजा घटुआ निवासी बीना पासवान ने जिक्र किया है कि उनकी पुत्री मनीषा की शादी 2019 में हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के लोहरगाड़ा निवासी विजय पासवान के पुत्र अरुण कुमार राम के साथ किया था। शादी के बाद से लेकर अब तक पुत्री मनीषा बिना किसी शिकवा शिकायत के ससुराल में रह रही थी। पिता ने आवेदन देख में जिक्र किया है कि शादी के समय जो दान दहेज तय हुआ था हमने उसे भी पूरा किया था। सभी चीजें अच्छे से चल रही थी पर 25-26 की रात्रि लगभग 2 बजे मनीषा की सास का उसके पिता के पास फोन आया जिसमें बताया गया कि लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इलाज हेतु कांडी स्वास्थ्य केंद्र में है। लड़की के परिजनों ने कांडी स्वास्थ्य केंद्र से उसे गढ़वा हॉस्पिटल में ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर घर वापस भेज दिया। पिता ने अपनी पुत्री मनीषा की शव को लोहरगाड़ा लाया और अपने दामाद अरुण राम पिता विजय पासवान व समधिन विमला देवी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि हमें शक है कि मेरी पुत्री को जहर देकर मारा गया है, अतः मामले की जांच कर न्याय देने की गुहार लगाई है। वहीं संबंधित मामले में हरिहरपुर ओपी प्रभारी सुकत खान ने कहा है कि आवेदन में आलोकना में निश्चित जांच होगी, दोषी जो भी हो बेशक वह सलाखों के पीछे अवश्य होगा।